हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आपको अपना एक छोटा सा जो बॉन्ज़ाई है उसको दिखा रही हूँ। मैं कुछ थोड़ा सा इस पर काम कर रही थी क्योंकि बारिश का थोड़ा हल्का सीजन स्टार्ट हो गया। अब इतनी गर्मी नहीं है तो, क्योंकि तेज़ गर्मी के दिनों में तो मैं कोई कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल भी इन प्लांट्स की नहीं करती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो सकते हैं अक्सर, या तो सेप्टेम्बर अक्टूबर या मोस्टली या फेबररी में या बारिश में थोड़ी सी इनकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। लीव्स को थोड़ा सा कम करने का ही काम करती हूँ मेन, अगर रिपोर्टिंग का काम करती हूँ वो फेबररी के मंथ में या फिर अक्टूबर के मंथ में, दो मंथ मैंने ऐसे फिक्स कर रखे हैं अपने। साल में एक बार ही इनको रिपोर्टिंग का काम करती हूँ। ये देखिए, मेरा एक छोटा सा जो है नीम का बॉन्ज़ाई है जो बनाया हुआ है मैंने। देखिए, ये तो बिल्कुल भी बनाना एकदम मुश्किल नहीं है और मैंने जो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इसे कहते हैं, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो है ये जीरो बजट यानी एक भी रुपए का इसमें कोई खर्चा नहीं है। और देखिए, एक छोटा सा ये मैमी बॉन्ज़ाई है क्योंकि बहुत बड़े बॉन्ज़ाई के लिए तो मेरे पास भी स्पेस नहीं है। मैंने कम से कम 15 से 20 बॉन्ज़ाई, मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कलेक्शन पूरा दिखाया था एक बार आपको, कि मैं उसका लिंक डाल दूंगी आपको। तो इस तरीके से जो है जो प्लांट है इस तरीके से आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो बड़े प्लांट को ग्रो करके भी बना सकते हैं, बट मैं छोटे छोटे मैमी बॉन्ज़ाई ही बनाती हूँ स्पेस की कमी होने की वजह से। ये देखिए, इसमें मैंने अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है। बारिश के दिनों में अक्सर अमूमन आप देखना नीम के पेड़ के नीचे जो है आपको बहुत सारे नीम के छोटे छोटे पौधे आपको मिल जाएंगे, और मैंने उन सब पौधों को 10 से 15 ये लगभग पौधे थे और मैंने सारे पौधों को इकट्ठा करके एक बंच उसका जो बना दिया था। और ये देखिए, एक अच्छा सा खूबसूरत सा जो मेरा ये है तैयार हो गया। ये देखिए, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी मैं बीच में हल्की हल्की सी कट करके इनको लगा दूँगी तो ये आपस में चिपक जाएगा। ऐसा एकदम स्टेम ऐसे लगेगा, आपने देखा होगा कि जब आप जाके देखते हैं पेड़ों को तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेम्स जो है जुड़े हुए होते हैं। ये कोई ऐसा ये जापानी आर्ट है जिसमें वहाँ पर क्या इस प्लांट की बहुत कम स्पेस होने की वजह से वहाँ भी लोगों ने प्लांट जो जितने बड़े प्लांट थे उनको शॉर्ट रूप देने के लिए इस तरीके से किया था। ये प्रोसेस है और आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत विशेष एक्सपर्ट होने की जरूरत है। देखिए, थोड़ा सा इसका जो ये रूट का जो ये बाउंड बनना ये रूट जो स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए इस तरीके से जो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है धीरे धीरे, ये जब जैसे जैसे इसकी एज होती जाएगी ये थोड़ा और बड़ा होता जाएगा। अभी मात्र ही मेरा एक साल ही हुआ है, पिछले बारिश के दिनों में मैंने जो इसको तैयार किया था। आज मैं थोड़ी सी इसकी जो है कटिंग का काम कर रही थी क्योंकि देखिए इसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हाइट काफ़ी हो गई है और अब बारिश होगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जब भी हम इनकी जो है लीव्स को अगर कटिंग करते ही रहते हैं तो लीव्स का साइज़ छोटा रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए इनकी जो कटिंग जो है करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो आज मैं इसकी थोड़ी कटिंग करने जा रही थी तो देखिए आज हम इसकी एक बार कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, नीचे से जो थोड़ी सी इसकी करने के बाद ये कुछ इसकी देखिए थोड़ी सी अजीब सी जो ब्रांचेज हो रही हैं इनको जो है हम कट कर देंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी जैसे ये एक्स्ट्रा जो हमारी है ये है इनको हम थोड़ा सा प्रून कर देंगे। ये देखिए इसकी थोड़ी काफ़ी हमने जो हद तक कटिंग इसकी जो है इसकी कर दी है। ये देखिए इस तरीके से जो है हम इसकी थोड़ी थोड़ी जो है प्रूनिंग, अभी थोड़ा सा क्या होता है शेप में हो जाता है, बड़ा खूबसूरत सा लगेगा फिर ये, क्योंकि बारिश का दिन है तो इसकी ग्रोथ इसकी आप देखिएगा फिर से एकदम से हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए, ये देखिए इस तरीके से जो है हमारा पूरा जो है लगभग इस प्लांट को मैंने जो अच्छे से जो है इसकी प्रूनिंग कर दी है। देखिए अब अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, देखिए कुछ एक दो और हम इधर उधर नज़र आ रही है तो हम इनको थोड़ा सा प्रून कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा लग रही है। आप अपने इमेजिनेशन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप कि मैं जैसा कोई दूसरे का देख कर ही करें। जिस तरीके से प्लांट की अपनी वैसे ही खूबसूरती होती है इस तरीके से देखिए अब मेरा ये खूबसूरत सा जो है एक बॉन्ज़ाई जो है तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल अगर हम दूर से देखें तो एक अच्छा सा बड़ा सा ट्री नज़र आता, बहुत खूबसूरत भी लगता है। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं इसको प्रून करके, एक शेप मैंने इसको दे दी, काफ़ी बड़ा हो रहा था मेरा, अब इसमें नई नई लीव्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए एक मेरा दूसरा जो है
फाइकस का प्लांट है। अगर आप स्टार्ट करना की सोच रहे तो आप नीम के प्लांट में तो आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं कि स्पेशली आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा उसमें, सिर्फ आपको प्लांट लगाने, ना आपको उसमें वायरिंग करनी है ना कुछ करनी है। देखिए मेरा ये भी एक प्लांट है, इस तरीके से मैंने लगभग इसको 2-3 साल मेरा पुराना हो गया है ये मेरा प्लांट है, और देखिए इसका ये कितना हेल्दी हो गया है। ये मैंने जो है इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, मैंने कोई स्पेशली कोई प्लांट इसके लिए नहीं खरीदा है। ये देखिए इसका स्टेम धीरे धीरे जो है थिक होता जा रहा है, और ये देखिए इस तरीके से बर्ड आप नेस्ट बना सकते हैं। बर्ड इस पे से गिर गई है, अभी आंधी की वजह से बहुत काफ़ी कुछ हो जाता है। देखिए छोटी छोटी लीव्स हैं, इन्हें तो मैं अभी नहीं हटाऊंगी। और ये देखिए हम जब इस प्लांट को देखते हैं तो हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा हमें अभी ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपना फ्रंट साइज़ कौन सा रखा है प्लांट का। यानी कि ये नहीं कि आप फ्रंट साइज़ अभी इसको रख रहे हैं, कुछ समय बाद जो है आप फ्रंट साइज़ चेंज कर दें तो आपकी वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें देखिए कुछ इतनी सारी बहुत सारी इसमें देखिए आप अजीब सी थोड़ी सी स्ट्रक्चर हो गई। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर इसमें थोड़ी वायरिंग की है। इसमें अगर आप वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा प्लांट है फाइकस के अंदर अगर आप वायरिंग करेंगे तो आपको, अगर शुरुआत अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप फाइकस से ही करें, क्योंकि जो इसमें आप जैसे देखिए जैसे ये ब्रांच मैंने भी वायरिंग की, इसको आप जैसे चाहें मोड़ सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे जैसे आपको इसको शेप देना चाहे इस तरीके से। ये बहुत लचीली होती है और इस पर काम आसानी से हो सकता है। अगर हम नीम के प्लांट पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस तरीके की वायरिंग करें तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस पर, हो जाती है बट उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बट बहुत लचीली ब्रांच होती है। देखिए मुझे कुछ इसमें आज जैसे बहुत अजीब सी इसमें देखिए बड़ी बड़ी ये अलग अलग सी, तो इनको हम कट कर देंगे। आप इनको कट करने के बाद थोड़ी सी ये देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अजीब सा यहाँ से जो है लग रहा था, आगे की तरफ इसमें स्ट्रक्चर बढ़ गई थी। और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हम जब देखते हैं ध्यान से तो ये देखिए जैसे ये ब्रांच है, इसको भी मैंने देखिए कट कर दिया। अब देखिए इसको आप जैसे चाहें, आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको ऊपर रखना चाहें, एक खुद से अपने आप एक शेप दे सकते हैं अपने प्लांट की कि कैसे आपको अच्छा लगता है। आप इस तरीके से देखिए बना सकते हैं, यानी कि जैसा आपको अपने इमेजिनेशन से आपको लग रहा है कि कुछ, आप जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ ब्रांचें, देखिए जैसे ये एक ब्रांच जा रही है और इस पे से जो ये वाली ब्रांच है वो बहुत अजीब सी देखिए आपको लग रही है इस पे, इसको कट करना वैसे ज़रूरी है। तो ये क्लीन हो गई है और जो वायरिंग भी है इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वायरिंग को आपको समय पर खोलना है वरना इसमें धंसना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए इस तरीके से आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी लीव्स को भी प्रून कर दूँगी क्योंकि बारिश का सीज़न है, बहुत सारी जो है इसमें लीव्स फिर से ढेरों स्टार्ट हो जाएंगी। और आप इस पर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। देखिए मैंने जो ये इसको ये शेप कोई इस प्लांट पर नहीं थी, मैंने इस तरीके से जो ये स्टेम है, ये स्टेम देख रहे हैं, इन्हीं को घुमा के जो है यहाँ से इस तरीके से निकला, इसको घुमा के इस तरीके से बना के एक शेप जो है देखिए दे दी इसको, ये शेप दी गई है इसको देखिए इस तरीके से। आप आराम से जो है इसको काम को कर सकते हैं। और देखिए जैसे इसमें पीछे की तरफ अभी थोड़ी सी हमको ये जो है ब्रांचेस हैं ये अलग ब्रांच लग रही, तो इसको भी हम जो है निकाल दें, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी दिनों से करीबन 4-5 महीने हो गए फरवरी के बाद इस पर कोई काम नहीं किया इस तरीके से, क्योंकि इनकी एक टाइमिंग होती है, हर समय आप इनकी इनको प्रूनिंग कर दें, कटिंग कर दें, आप इनकी रिपोर्ट कर दें, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। इस तरीके से देखिए आप जो ये है एक बॉन्साई को बहुत अच्छे के साथ जो है आप बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे उन पर भी बहुत सारा काम करना है। जब मैं वायरिंग इस देखिए वायरिंग इस तरीके की वायरिंग को हम यूज़ करते हैं, अक्सर आपके देखा होगा आपने जो इलेक्ट्रिसिटी में वायर भी यूज़ होता है, इस तरीके का एल्युमिनियम का वायर भी आपको आसानी से जो है घर के अंदर मिल जाएगा, आप इस तरीके का वायर ले लीजिए। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो ये है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, जैसे जैसे प्लांट पुराना होगा आपको मिल जाएगा। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, देखिए इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।